स्वागत है आपका मेरे चैनल में। सर की आपने ड्राइविंग देखी होगी, ट्रैफिक में मैंने इनको कॉर्बेट ड्राइविंग में मैंने सिखाया था कि कार कैसे चलाते हैं कॉर्बेट में। तो आज इनको मैं ट्रैफिक में लेके जा रहा हूँ, देखिएगा ये ट्रैफिक में कार कैसे चलाते हैं, मैं इनको कैसे सिखाता हूँ। अगर आप पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और नई से नई वीडियो देखने के लिए घंटे को बजाना ना भूलें। तो सर, जैसे कि आपने अभी इससे पहले देखा होगा, जो भैया ने गाड़ी चलाई, प्रवीण भाई ने यहाँ चलाई थी, तो चढ़ाई में चढ़ने के लिए जिस गियर पे लेते हैं उसी गियर पे उतरते हैं, बोला था उससे बड़े गियर पे नहीं, उससे छोटे गियर पे उतर जाओगे। अब जैसे सेकंड गियर पे ये चढ़े थे ऊपर को, तो हम उतरने के लिए फर्स्ट गियर ले सकते हैं, लेकिन थर्ड गियर नहीं ले सकते, ठीक है, क्योंकि हम वो स्पीड कवर नहीं कर पाएंगे। गाड़ी ढलान पे क्या है ना, अगर हम गियर बड़ा कर देंगे तो भागेगी एकदम, और वही भागने को हमने कंट्रोल करना है, क्योंकि जब हम चढ़ाई में चढ़ते समय वो स्पीड कवर नहीं कर पाए तो उतरते समय भी नहीं कर पाएंगे। अपने बाएं चले, मोड़ों पर हमेशा ध्यान दे, हॉर्न दे, ओवरटेक ना करें, रॉन्ग साइड ना जाएं, पार्किंग नहीं करनी है, स्टॉपिंग नहीं करनी है, बाएं तरफ स्लो स्पीड में धीरे धीरे। ठीक छो, ठीक हो, मिल को बढ़िया को बढ़िया। सर कमाऊनी तो पूरी आती होगी आपको? तो नहीं, हम तो लेकिन कमाऊनी बोलते नहीं देखा मैंने मेरे को। हाँ, ज्यादातर उसमें रहा ना, क्या बोलते हैं, बाहर ही रहे तो। लेकिन मैंने सर मैं एक चीज मैं आपको बताऊंगा, गढ़वाली में मैंने एक खास बात देखी है, बात गढ़वाली में ही करते हैं, करेंगे पक्का। मैंने ये बात खास देखी है, ये गढ़वाली में बच्चे भी करते हैं आजकल के, ये मैंने, क्योंकि मेरे पे जितने भी सीखने आते हैं ना, अब जैसे सपोज कर लो, जैसे आप अभी गढ़वाली होते ना, ये भैया तो गढ़वाली है ही, तो आप दोनों आपस में ना गढ़वाली में बात कर रहे होते हैं। ये मैंने देखा है, ये मैंने देखा है, कुमाऊनी लोग नहीं करते, पता नहीं क्यों बात। मैंने कई बार मैंने कहा है कुमाऊनी वाले से, मैंने कहा भाई पहाड़ी है तो पहाड़ी में बात करो ना मेरे से, करो अच्छा लगता है। गढ़वाली भी मैं थोड़ी बहुत बोल लेता हूँ, लेकिन ज्यादा नहीं आती बोलनी मेरे को, कुमाऊनी भी नहीं आती यार, क्योंकि हम आए तो कहीं पैदा समझ जाते हैं, समझ जाता हूँ। हाँ, समझता तो मैं पंजाबी भी थोड़ा थोड़ा बोल लेता हूँ। गानों के फैन तो वहां से गया है, गाने गाने हैं, कुमाऊनी गाने अभी कहाँ चल रहे हैं, लेकिन गढ़वाली गाने ज्यादा चल रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, तो सर मेरे तो बट समझ में आ रहे होंगे, यही सब ने चलते रहना है। और आप ये आते हैं सर, समझ में आते हैं? तो सर यहाँ से आपका ट्रैफिक शुरू हो गया है, ट्रैफिक में पहले दूसरे गियर में ही चलना है, ठीक है। जैसे कि अभी आपने एक सवाल पूछा था ना, वहां पर जब प्रवीण चलाए रुक गई थी, तो फर्स्ट गियर करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, याद रखना, ठीक है। और इनसे जरा बच के, टेम्पो वालों से, हाँ एकदम आगे मुंह का आकर आकर के ना रोक देंगे, पता नहीं इनको ओवरटेक करने की जल्दी होती है, फिर ठाक रोक देते हैं। क्या करना चाह रहे हो? अभी नहीं, अभी फर्स्ट गियर क्यों, अभी तो हमारी चलती रहेगी ना, स्पीड अच्छी, देखो खाली जगह ना, स्पेस है, जब नहीं हो तब हम वो चीज सोचेंगे। मैं यार डेली पता है वो सेल्फी स्टिक लाना भूल जा रहा हूँ अपने, यार सेल्फी स्टिक है ना मेरे पास, उसको मैं ऐसे रखे रहूंगा ना, सबसे बेस्ट रहेगा, वो भूल जा रहा हूँ लाना मैं। वो हिलता है ना फिर मोबाइल बहुत झटके से, शीशे पे लगाने वाला ना। हाँ यार ये भी सही है यार, ड्राइविंग भी देखते रहेगी। हाँ, और जब जरूरत पड़ी तो बाहर का पकड़ लिया, सेल्फी स्टिक तो है ही, फिर मतलब वो चिपकाने वाला लेकर आता हूँ। तो दोस्तों मैं बहुत गरीब हूँ, मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखे ताकि वॉच टाइम मिले, मैं ये चीज खरीद सकूं। क्यों बोलो, ये देखो बिगर इंडिकेटर कहाँ गया, पहले लेफ्ट गया था फिर राइट चले गए। चलो ये होता है देखो टेम्पो वालों का, देखा साले ने, पहले लेफ्ट ही गया, हमने कहा ओवरटेक कर लें, और फिर वो राइट ही आ गया पूरा ही उसने बिगर इंडिकेटर के। तो इनका हम कुछ नहीं कर सकते हैं, भगवान बचाए इनसे। बहुत जल्दी सवारी कितनी जल्दी रहती ना, मैं दो बार बाइक से घुस गया हूँ इनके ऊपर को, पता है एकदम मेरे मुंह पे आ गया ना ये नगर पालिका का, वहां पर आराम स्पीड भी मेरी कुछ नहीं होगी, 20 की स्पीड होगी यार, एकदम इन्होंने ऐसे गाड़ी मोड़ी मेरे आगे से, मैं ठक घुसा। अपनी साइड आ जाओ,
इसे जान दो। चलो सरपंच भाई साहब ऐसा, ओ जरा सी बची गाड़ी भाई साहब, जरा जरा सी बची है सामने तार देख रो। देखो ये मोड़ भी तो साला गलत जगह पर आया, सरपंच है ना। चलो ऐसा क्या है प्रधानी में जो एक साल में थार स्कॉर्पियो निकाल लेते हैं, जबकि सैलरी तो 3500 रुपए होती है। ये देखो कैसे मुड़े। तो यही जानने के लिए अगले साल में प्रधानी में खड़ा होऊंगा तो मुझे वोट दें, ठीक है सर? फिर मैं आपको थार में सिखाऊंगा, एक साल में स्कॉर्पियो फॉर्चुनर जो भी होगी वो निकाल लूंगा, क्योंकि सभी निकाल लें प्रधानी में, हम भी निकाल लें। 3500 रुपए महीने में निकाल लेंगे क्यों, ताज्जुब की बात है यार। 3500 रुपए महीना और बंदा एक ही एक साल में स्कॉर्पियो थार कोई सी भी गाड़ी निकाल लेता यार। बताओ प्रधानी में उनके उनके ऊपर कोई रेट नहीं पड़ ली है कि कहां से आई भी 3500 रुपए में। और एक आम अगर आदमी निकाल लेगा ना, अभी अगर मैं ही निकाल लूंगा ना, भैया कहां से आ गए इतने पैसा। हमारी दूसरी ब्रांच की गाड़ी, दूसरी ब्रांच की, हमारी ब्रांच की दूसरी गाड़ी ये भाई साहब की, यहाँ सिखा रहे हैं भाई साहब। ट्रैफिक तो मिला नहीं, ट्रैफिक नहीं मिला कल से दिन, वही कल से दिन में आपकी ड्राइविंग होगी, ठीक है? सुबह आपको कोई फायदा नहीं आकर के, क्योंकि खाली सड़कों पे सिखा दी मैंने आपको गाड़ी। चलो ठीक है, टाइम वेस्ट करने का मेरे भी कोई फायदा नहीं है, खाली कल को आपको हो गया भरत भाई ट्रैफिक तो मिल ही नहीं रहा है, क्या करूं मैं? क्यों? क्योंकि ये चीजें तो चला ही रहो आप, मेन ट्रैफिक रह गया आपका। ये देखो देख के इसको, हाँ क्लच भी दबाओ, क्लच नहीं दब रहा कहीं ना कहीं, देखो बंद हो गई ना, स्टार्ट करो। चलो फर्स्ट कर लो, फटाफट करा करो। चलो अपनी साइड आओ, गाड़ी रुकने में सर आप क्या बात, क्लच नहीं दबा रहे हो। ये देखो एक गाड़ी कितनी खड़ी है यहाँ पर, देख रही है सभी, इन्होंने नहीं है अपनी जगह घेर ली, देखो कवर कवर डाल के देखो। यहाँ पेड पार्किंग होनी चाहिए तो आम जनता को खड़ी करने की जगह तो मिली कम से कम। सही बात, लोग अपनी गाड़ी यहाँ खड़ी कर रखी, बस पेड पार्किंग नहीं है, पेड नहीं है ना ये, इसलिए तो लोगों ने अड्डा बना लिया बस। पेड अगर होती ना तो खाली होती है, यहाँ वो ही लगाते जो मार्केट में आते हैं लोग, टूरिस्ट होते हैं उनके लिए तो होता है पार्किंग यहाँ पे, अगर आप कर रहे हो तो। भैया वोट भी तो चाहिए फ्री फ्री करके, क्यों फ्री फ्री करके दिल्ली में बैठ गया एक बंदा, फ्री का खाना पछता नहीं सर। मैं आपको बताऊं, पेट खराब ना, हाँ फ्री का नहीं पछता, मेहनत करो। बहुत बढ़िया, लेकिन सर ने गाड़ी तो चलाई लेकिन ट्रैफिक नहीं था, इसे ये धूले की गाड़ी को इतनी जल्दी हो रही है तो कम से कम धूले को रुक के जाना चाहिए, इतनी जल्दी गाड़ी क्यों रही इसको। गाड़ी का नंबर क्या, नंबर 566। चलो बहुत बढ़िया, गुड, ट्रैफिक नहीं मिला लेकिन फिर भी जितना मिला बढ़िया था। लेफ्ट बचा के, लेफ्ट नहीं बच रहा है, ठीक है, रुकने में क्लच नहीं दबा, स्टार्ट करो। चलो फर्स्ट गियर, और ये भूल जा रहे हो फर्स्ट गियर करना, जबकि अभी आपने सवाल भी पूछा था मेरे से कि रुकते ही फर्स्ट गियर होगा, पूछा था ना। हाँ, पूछा। और रुकने में क्लच क्यों नहीं दबा, ये स्टेप तो सिखा चुका हूं मैं आपको और आपको आता भी है। ट्रैफिक देख के क्या हुआ, पहले ब्रेक दबाना फिर क्लच, नहीं पहले क्लच दबाना है गाड़ी रोकने के लिए, उसके बाद धीरे धीरे ब्रेक दबाना है, ठीक है? तो कैसी लगी सर की ड्राइविंग और कैसा लगा मेरा सिखाना, कमेंट में जरूर बताना। अगर आपको पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसका नाम है बीके मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।